अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم। इज्जत मां अली जनाब शेख मुस्तफा कमाल साहब काम पूरे मुनज़म तरीके से नहीं हो पाए, अल्लाह सुभान ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें 20 साल बाद इस शख्सी राज को खत्म करने में कामयाबी अता की। इसमें सबसे बड़ा रोल अब जवानों का है जिसने ये चाहा कि हमें चेंज लाना है, इंकलाब लाना है और जवानों ने वो प्रूफ करके दिखाया। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले, और आज हमने खुद को बदला है, इसी वजह से हमने शख्सी राज को उखाड़ फेंका है। राहुल गांधी का बाला जोड़ अपना चला जिसका नतीजा यह रहा कि हमारे करगिल में भी एनसी और कांग्रेस एक हो गए, और जिसका यह नतीजा रहा कि हमारे सूरत में भी एनसी कांग्रेस एक होके एक कैंडिडेट निकाल के और हमने कामयाब करके दिखाया। अब हमारा मकसद है, हमारा एक ही मिशन है, वो मिशन है यूनाइटेड सोथ मूवमेंट। अब जीतने के बाद हमारे सोथ को, जिन्होंने सोथ को बिगाड़ दिया था, जिन्होंने सोथ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, उन सब को खत्म करके हमें सोथ को फिर से वही सोथ यूनाइटेड सोथ करना। यूनाइटेड सोथ वन उनका ये एक स्लोगन है, लेकिन उस स्लोगन पे वो खरा नहीं उतरते हैं। आज हम जानते हैं हमारे साथ हर इलाके के लोग जमा है, हर इलाके के लोग का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारी जो सोथ यूनाइटेड मूवमेंट का हमारा आवाज है उस पे हमें हर तरह से हमें अब आगे काम करना जरूरी है। बस चांद बन कहना जरूर समझता हूं हमारे ऑनरेबल काउंसलर मंजूर साहब की कयादत में अब हमें न्यू सोच विजन रखना है, यानी नया सोच का तश्कील देना है। अब नया सोच और पुराने सोच में फर्क क्या है, एक सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। पुराने सोच में हर सर्विसेज कौंसलर के हर फंड हर फायदे के लिए एक कंडीशन उन्होंने रखा, और वो कंडीशन है या तो आपको काका हो या काका का लड़का हो। लेकिन अब हमारे नए सोच, हमारे न्यू विजन ये नहीं होगा। हमारे नए विजन में जिस किसी को भी प्रेफरेंस देना है उसका एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि वो बंदा गरीब हो। गरीबों को हमारा नंबर वन अवली प्रेफरेंस है, और वो गरीबों के लिए भी कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, टंपा मीना यूपन में फर्क में इंशाल्लाह हम आपका भी काम करेंगे, उसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। बाकी कहना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन चंद बात लास्टली ये कहना चाहूंगा, हमारे आने वाले दिनों में अपकमिंग इलेक्शन बीडीसी है, पंचायत है। अल्लाह ताला के रहम करम से, अहलेबैत की दुआई बरकत से और आप लोगों की मेहनत से हमने काउंसिल जीता है, और आने वाले दिनों में बीडीसी और पंचायत की पूरी तरह कंप्लीट हमें एब्सोल्यूट जीतना है। इसके लिए एक मेरा सजेशन है, हर गांव में अभी से पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड जवानों को तैयार करना है, कोई अनपढ़ इस सिस्टम में नहीं आना है। आप लोग राजी हो मेरे बात से? कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई अनपढ़ नहीं आएगा, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड जवान को फर्स्ट से सरपंच से पीढ़ी से तक हमें पहुंचाना है, वो हमें काम करना है। बाकी हमारे पाशा साहब हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, उनके लिए कलाम कहना चाहूंगा, उसने बहुत मेहनत किया और उनका भी हमारे जीत में इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। कि पाशा साहब के लिए कहना चाहूंगा,
जीते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो गुड्डों के बल चले। तो आखिर में आप सभी हजरात को, मेरे शोध के जितने भी अपोजिशन में हैं, हम सबको दावा देता है, और साथ ही साथ पाशा साहब को भी हम दावा देता कि वो भी हमारे साथ जोड़े, क्योंकि मैं समझता हूं पाशा इज ए राइट मैन इन द रोंग पार्टी। तो इसलिए उसका भी दावत है, अगर हमारे साथ जोड़ना चाहे तो अपना पार्टी छोड़ के आए, क्योंकि एक काबिल लीडर है। बाकी फिर से एक बार फर्दन फर्दन आप सबको, उनके हर फर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर ग्रुप को हमारी तरफ से शुक्रिया। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, आज मौका नहीं मिला, आने वाले दिनों में कौंसलर साहब हलफ लेने के बाद हमारा और एक बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। बाकी आखिर में हमारे फलस्तीन के लोग मुजाहिद जहाद कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि फलस्तीन वालों ने इसराइल में घुस के बहुत ही उनका तबाह कर दिया है। एक नारा लगाना है, फलस्तीन के मुजाहिदों, फलस्तीन के मुजाहिदों, इसके बाद प्रोग्राम आज तवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है सभी को भूख लगा है। फिर से एक बार आप सभी हजरात को तहे दिल से शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।